हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही फेमस गेम जिसका नाम है धैला कर। तो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए टॉयज, गेम्स और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो ये एक चार प्लेयर का गेम है, इसके अंदर अल्टरनेटिव प्लेयर्स पार्टनर होते हैं। प्लेयर वन और प्लेयर थ्री पार्टनर होंगे, प्लेयर टू और प्लेयर फोर पार्टनर होंगे। इसके लिए हमें एक पूरी ताश की गड्डी चाहिएगी और हम सभी प्लेयर्स को 13-13 पत्ते बांट देंगे। लेकिन हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, प्लेयर पत्ते बांट रहा है उससे जो नेक्स्ट प्लेयर है उसका हमें तीसरा पत्ता खोलना है और उसी से सूट डिसाइड होगा कि किसमें काट है किसमें रंग है। तो अभी हमें ये पता चल गया है कि चिड़ी में काट रहेगी, हर बार हमें तीसरा पत्ता ही खोलना है। तो बाकी प्लेयर्स को हम पत्ते दे देते हैं। दोस्तों अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए हमने सारे पत्ते खोल लिए हैं। और तो दोस्तों इस गेम का हम रूल बता देते हैं, जैसा कि इस गेम का नाम है धैला कट, तो इसमें धैला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गेम में हमें ध्यान रखना है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथों के अंदर धैला लेना है। जिस भी टीम ने 3 या 4 धैले ले लिए अपनी तरफ तो वो जीत जाएगा। यदि दोनों टीमों के पास बराबर 2-2 धैले आ जाते हैं तो फिर उनके हाथ मैटर करेंगे कि उन्होंने कितने हाथ बनाए हैं। जो टीम 7 हाथ और 2 धैले बना लेगी वो गेम को जीत जाएगी। और इसलिए हमें ध्यान सिर्फ धैले बनाने में ही रखना है। यदि हमारे 3 धैले बन गए और 3 ही हाथ बने तब भी हम गेम को जीत जाएंगे, चाहे भले सामने वाला प्लेयर कितने भी हाथ बना ले। तो प्लेयर 2 की बारी, काट है हमारी चिड़ी की। दोस्तों प्लेयर 2 ने धैला चलाया है कि प्लेयर 4 ने 1 का चला, तो प्लेयर 2 ने धैला चल दिया क्योंकि ये हो सकता है कि प्लेयर 4 का हाथ बन जाए और उनकी टीम के पास में एक धैला आ जाए। तो एक धैला आ गया है इनके पास में। अब मार्केट में सिर्फ 3 धैले बचे हुए हैं, प्लेयर 4 वापिस से चलेगा। तो प्लेयर 4 ने काट दिया है ये चिड़ी से। तो दोस्तों प्लेयर 3 ने चिड़ी से काट लिया है इसको और चिड़ी की दहली से काटा है, तो हमारे पास एक दहला आ गया है। प्लेयर 1 ने अपना दहला चल दिया है क्योंकि प्लेयर 3 ने इसको काट लिया है, तो अब 2 दहले आ गए। तो प्लेयर 3 ने इसको ईंट की चिड़ी से काट लिया और ये धैला बद्दी में आ गया, तो ये प्लेयर 3 का बन गया है। तो अब देख लेते हैं स्कोर की तरफ। तो प्लेयर 1 और प्लेयर 3 की टीम ने 4 हाथ बनाए हैं, लेकिन 4 हाथ में उन्होंने 3 धैले बना लिए हैं, तो इसलिए इस गेम को ये लोग जीत गए हैं। प्लेयर 2 और प्लेयर 4 ने इतने सारे हाथ बनाए हैं लेकिन उनके पास एक ही धैला आया है, तो इसलिए उस गेम को हार गए हैं। तो इसलिए अब नेक्स्ट गेम के अंदर प्लेयर 2 और प्लेयर 4 पीसेंगे और इसमें सजा यही होती है, किसी भी टीम के पास में 4 धैले चले जाते हैं तो उसे हम कोर्ट बोलते हैं। इस तरीके से गेम चलता रहेगा, हर गेम में हार जीत होती रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको गेम? दोस्तों अगर मान लो 4 दहला एक ही टीम के पास आ जाते हैं तो वो दूसरी टीम से कहते हैं कि हमने तेरे को गर्मी में कोट पहना दिया है, तो उसको इस तरीके से चिढ़ाते हैं। बाकी दूसरी टीम को सजा इस तरीके से मिलेगी कि उसको लगातार 7 बार पीसना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको गेम कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना। और यदि आपको हमारी वीडियो इसी तरीके से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।